फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी के दौरान कितना ब्लड लॉस होता है। ज़्यादातर एंजियोप्लास्टी अगर सिंपल है तो ब्लड लॉस 5 से 10 ml या उसके आसपास ही होता है। बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस नहीं होता। बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड या टफ एंजियोप्लास्टी हो, बहुत स्टेप्स भी हों, या ऑपरेशन के दौरान जो पंचर साइट है वहाँ से अगर कोई ब्लीडिंग या ऊजिंग वगैरह हो, तो कभी कभी किसी पेशेंट में 100-150 ml तक का ब्लड लॉस हो सकता है। नॉर्मली इससे हीमोग्लोबिन लेवल मैक्सिमम 1 point तक डाउन हो सकता है, यानी किसी का अगर 11 है तो उससे 10 तक आ सकता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ब्लड एंजियोप्लास्टी के दौरान ज़्यादातर ब्लड के लिए उतना ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट किन लोगों का अगर बॉर्डरलाइन एनीमिया भी हो और हीमोग्लोबिन अगर 8 or 9 भी हो, तो वैसे में भी एंजियोप्लास्टी संभव है बिना कोई भी ब्लड की बॉटल चढ़ाए। पर ऑब्वियसली अगर किसी का हीमोग्लोबिन अगर 4 या 5 के आसपास हो, तो वैसे केस में आपको कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। पर रूटीन एंजियोप्लास्टी में ब्लड लॉस इतना ज़्यादा नहीं होता।